बता रहे हैं आप, एक मिनट रुकिए, उनका उत्तर है। माननीय मंत्री जी आप सीधे बताइए, जो प्रश्न 3500 से बढ़ाकर 5000 किया है वो सीधा हमको बताइए। सवाल पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इशारा किया है, बताया है। जो हमारे माननीय सदस्य का प्रश्न है, प्रधानों, पंचायत सहायक, अकाउंटेंट, कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय का भुगतान वित्त आयोग की धनराशि ग्राम निधि तथा अन्य योजना अंतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाता है तथा बिजली का बिल का भुगतान राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्रदत्त धनराशि से किया जाता है। दूसरा माननीय सदस्य जी का प्रश्न है कि क्या सरकार बढ़ती महंगाई पे है? जी नहीं, क्योंकि शासनादेश संख्या 2350/33-3 2021-2257-2021 दिनांक 16/12/2021 द्वारा ग्राम प्रधानों के मानदेय को ₹3500 से बढ़ाकर ₹5000 किया गया है। शासनादेश संख्या 42/2021/1235/33-3 बता रहे हैं आप, एक मिनट रुकिए, माननीय मंत्री जी आप सीधे बताइए। जो प्रश्न 3500 से बढ़ाकर 5000 किया है वो सीधा हमको बताइए। मेरा जो सवाल है, क्या सरकार ग्राम सभा में लिए जाने वाले मानदेय को अलग से बजट देने पर विचार करेगी कि नहीं? दूसरा है, क्या छोटी ग्राम सभाएं जिनका अभी तक विकास नहीं हो पाया है उनको उनके बजट को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी कि नहीं? इस पर माननीय जी से, माननीय मंत्री जी से जवाब चाहता हूँ। जो सवाल है इस पे हम लोगों ने बैठक किया, 1266 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके यहाँ बजट 5 लाख के आसपास जाता है। उनके बजट को बढ़ाने के संबंध में विभाग के प्रमुख सचिव, डायरेक्टर हम लोग बैठ करके चर्चा किए हैं, आपके भावना की कदर की जाएगी। चलिए, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, उस पर आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ₹6000 के अलावा माननीय सदस्य आपकी बात आ गई है, उत्तर आने दे। आप उनका उत्तर तो सुने, आप बैठक कृपया, आपकी बात आ गई। हाँ तो उत्तर दे रहे हैं, सुनने की भी क्षमता रखिए। बताएं माननीय मंत्री, नहीं हम गलत दिशा में नहीं जा रहे हैं, आप गलत। पंकज जी बीच में न बोले कृपया। ₹6000 पंचायत सहायक जो पंचायत सचिवालय में रखा गया उसको 6000 दिया जाता है। 207 ऐसी योजनाएं हैं जो काम पंचायत सहायक करेगा तो उसको ₹5 पर काम पर अनुमन्य है। ऐसी कोई योजना नहीं है अभी, बतिया ठीक है। अभी उनका उत्तर आ गया माननीय सदस्य, माननीय सदस्य उनका स्पष्ट उत्तर आया। छोटी छोटी ग्राम पंचायतों के लिए उन्होंने आपको आश्वासन दिया। माननीय सदस्य जी जानकारी करिए, देखिए बैठे एक मिनट बैठे, माननीय सदस्य जी जानकारी करिए। आपने जो प्रश्न किया है, प्रश्न जो आपने किया है उस प्रश्न को पढ़ लीजिए, हम भी नए हैं पुराने नहीं हैं। अरे मेरा मत बता दिया, आपस में बात ना करें कृपया। पूछा मैंने, बता दिया कि 1266 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जो 5 लाख और 6 लाख के बीच में उनके पास बजट जाता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ऐसा नहीं। अच्छी बात है ना,